शासन के निर्देशों का पालन न करना निजी विद्यालय को महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि दरअसल शासन ने प्रदेश के सभी विद्यालयों को 6 जुलाई से स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन उधम सिंह नगर जिले में 5 जुलाई को ही स्कूल खोल दिए गए थे। इस दौरान किच्छा के निजी बस का एक्सीडेंट हो गया था। अब शिक्षा विभाग निजी स्कूल सहित तमाम स्कूलों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं विभाग उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 6 जुलाई से स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन 5 जुलाई को किच्छा की एक स्कूल बस बच्चों को स्कूल ला रही थी, वहीं उसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई थी और आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए थे। वहीं तय तारीख से पहले किच्छा, रुद्रपुर सहित अन्य जगहों पर कुछ प्राइवेट स्कूलों के खुलने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली है। रुद्रपुर से उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। और एक विद्यालय सेंट पीटर्स जिसमें किसी पर बस हादसा भी हुआ था, इस पर किस कारण से इनके द्वारा विद्यालय खोला गया और इनका स्पष्टीकरण लेते हुए, इसके अलावा जनपद में भी मैंने अन्य खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया कि हमारे 6 जुलाई से पहले भी खुले हैं और इन नियमों को तोड़कर विद्यालय खोले तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।